हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए कि आप 4 साल 6 साल पहले का जो भी कुछ किए हैं वो आपका सारे डेटा गूगल फोटो में है। आप सोच रहे हैं कैसे होगा? जी हाँ, बिल्कुल। आप वीडियो को पूरा देखें तक मैं आपको सारे प्रोसेस दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, है ना, कि जो गूगल फोटो है आपके सारे अपडेट रखा हुआ है। आप चाहे 10 साल पहले का, अगर आपने 4 साल 6 साल पहले अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज किए हैं और सेम ईमेल अकाउंट, वही ईमेल अकाउंट आज भी यूज कर रहे हैं, जीमेल अकाउंट, तो आपके सारे डेटा सारे राज आपके गूगल फोटो में है ना। और वो कोई भी जान सकता है, अगर आपने उसके बारे में अच्छे से नहीं जानकारी रखी, नहीं ध्यान दिया, तो कोई भी जान सकता है। अगर आप किसी और का जानना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन में जाकर गूगल फोटो से जान सकते हैं, तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। बहुत ही कमाल का ये तरीका है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं गूगल फोटो क्या है और आपके सारे डेटा को। जैसे कहने का मतलब यह है कि देखिए, जैसे आप कोई भी फोटो खींचते हैं, कोई भी पर्सनल चीज़ें ऐसे रखते हैं जो आप उसको डिलीट करते हैं, तो डिलीट तो कर देते हैं फ़ोन में, ठीक है, वहाँ से डिलीट होता है, बट वो क्या होता है कि आपके गूगल फोटो में जाके स्टोर हो जाता है। जी हाँ, जिस जो भी आपका ईमेल आईडी जीमेल आईडी लॉगिन होगा गूगल फोटो पर, क्योंकि ऑटोमेटिक लॉगिन होता है, ठीक है, आप फोन गूगल अकाउंट लॉगिन करेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा, तो क्या है कि वो ऑटोमेटिक वहाँ पर स्टोर हो जाता है। अब 10 साल पहले को हो चाहे 4 साल पहले का हो, तो चलिए हम बताते हैं वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। और देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, स्टोर पर चलता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, चलिए कन्फर्म कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे फोटोज हैं, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, जो कि आप नीचे फोटो देख रहे हैं कुछ एंड में, इस फोटो को मैं डिलीट कर चुका हूँ, बटिया बस शो कर रहा है। तो मैंने देखिए, मेरे पास 3 जीमेल अकाउंट है ना, तो ये देखिए मैंने जो लॉगिन किया हुआ है, मैं इसको बहुत कम यूज करता हूँ, और इसके यूज करते समय ये देखिए मैंने 2 फोटो डिलीट किए हुए हैं, और बाकी सब तभी ये मौजूद है फ़ोन में, बाकी नीचे का 2 डिलीट किया हुआ है। तो जब भी आएंगे जैसे फ़ोटो एल्बम असिस्टेंट और शेयरिंग, आप फ़ोटो पर रहेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, फ़ोटो स्कैन यहाँ पर जा सकते हैं, बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपका जो भी, आपको विश्वास नहीं होगा, बट आप ये करिए कि आपने जो पहले जीमेल अकाउंट यूज किया था उसको लॉगिन कीजिए, यहाँ पर उससे लॉगिन कीजिए, और जो आपने डिलीट किया हुआ है आपको तो पता होगा कि आपने कौन सा फोटो डिलीट किया हुआ है, तो आप जाइएगा वहाँ पर और देखिए आपका सारा का सारा स्टोर होगा। आप उसको रिकवर करना चाहते हैं तो वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन देगा, ठीक है, एक नीचे का तीर बना हुआ, नीचे का बना हुआ दिखेगा आपको, उस पर क्लिक करें तो डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको रिकवर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है गूगल फोटो, बहुत बढ़िया है, और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो जानते हैं आपके सारे डेटा लिख कर सकते हैं, है ना। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड बाय।